Program is brought to you by McDonald's Double Fest. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। मैं हूं कोमल नाहटा। गया हफ्ता बॉलीवुड के लिए कोई बहुत अच्छा हफ्ता नहीं रहा, बिकॉज कोई भी नई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई। जैसे कि आप जानते हैं, तीन फिल्में रिलीज हुई थी, खामोशियां, हवाई ज्यादा और रहस्य। खामोशियां ऑफकोर्स वॉज द बेस्ट ऑफ द लॉट, लेकिन इट वॉज नॉट गुड इनफ। खामोशियां का फर्स्ट वीकेंड, हम नेट ऑल इंडिया टोटल कलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो खामोशिया का फर्स्ट वीकेंड हुआ करीब 5.5 करोड़ का। एक्चुअली द डे डिड नॉट स्टार्ट ऑफ वेल, फ्राइडे डिड नॉट स्टार्ट ऑफ वेल, एंड सैटरडे और संडे को भी कलेक्शंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। फ्राइडे का टोटल था करीब 1.5 करोड़ का, केवल 1.5 करोड़ का, इन स्पाइट ऑफ हिट म्यूजिक। सैटरडे को कलेक्शंस बढ़ के हो गए 2.25 करोड़, और संडे को भी इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन नॉट अप टू द मार्क। और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 2.25 करोड़ का। तो 1.5 करोड़, 2.25 करोड़ और 2.25 करोड़, गिविंग अस अ टोटल ऑफ जस्ट अबाउट 5.5 करोड़। एज फॉर हवाई ज्यादा, जो कि एरोप्लेन के आविष्कार पर फिल्म बनी थी, दैट फिल्म क्रैश लैंडेड इवन बिफोर टेक ऑफ। कोई भी दिन के कलेक्शन 1 करोड़ भी नहीं पहुंच पाए। फर्स्ट डे का टोटल था करीब 50 लाख, सेकंड डे और थर्ड डे के टोटल में भी कोई विशेष बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, एंड देयरफॉर इट वाज अ नॉन स्टार्टर। रहस्य आल्सो, इट वाज द सेम स्टोरी, इट वाज अ नॉन स्टार्टर, बट फर्क यह था कि रहस्य की रिपोर्ट अच्छी थी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट बहुत ज्यादा लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी। अगेन द सेम स्टोरी दैट वी हैव बीन रिपीटिंग इन दिस शो टाइम एंड अगेन, इट वॉज ऑल अबाउट द एडमिशन रेट्स। टिकट प्राइसेस मल्टीप्लेक्सेस में इतने ज्यादा हैं कि नॉन स्टार कास्ट या छोटी स्टार कास्ट की फिल्मों को बहुत दिक्कत हो जाती है, बिकॉज पब्लिक यही सोचती है कि इतना पैसा खर्च करके कोई स्टार कास्ट फिल्म देखे बजाय के नॉन स्टार कास्ट या छोटी स्टार कास्ट की फिल्म। एंड रहस्य सफर्ड ऑन दैट अकाउंट, बिकॉज रिपोर्ट्स अच्छी थी, लेकिन इतने कम लोग अंदर गए कि बाहर उनकी आवाज ही नहीं सुनाई दी। एज फॉर बेबी, जिसका सेकेंड वीकेंड खत्म हुआ, द सेकेंड वीकेंड वॉज इन द रीजन ऑफ 10 करोड़ रुपीज ओनली। आपको पता होगा कि पहले 4 दिन के बाद बेबी के कलेक्शंस बहुत गिर गए। ऑफकोर्स द फर्स्ट 4 डेज वर ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क, दे वर वे बिलो द मार्क, लेकिन बाकी 3 दिन, पहले हफ्ते के बाकी 3 दिन के कलेक्शंस बहुत ज्यादा गिर गए थे, एंड सेकेंड वीकेंड हुआ सिर्फ 10 करोड़ का। जहां तक बेबी का सवाल है, बेबी का फर्स्ट वीक खत्म हुआ था एट 51 करोड़, एंड सेकेंड वीकेंड हुआ है करीब 10 करोड़ का, एक्चुअली अ लिटिल लेस देन 10 करोड़, और इसलिए 10 दिन का बेबी का टोटल है 61 करोड़। एंड जैसा हमने पहले भी बताया था कि बेबी में डिस्ट्रीब्यूटर्स का भारी नुकसान होगा, इन ऑल प्रोबेबिलिटी ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स पुट टुगेदर वुड स्टैंड टू लूज इन द रीजन ऑफ 20 करोड़, प्रोबेबली 25 करोड़ का भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुई वीकेंड की कलेक्शंस की बात। आइए अब मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। दोस्तों, शुक्रवार को एक फिल्म लग रही है, एक फिल्म रिलीज हो रही है, लव फिर कभी, और आज हमारे साथ स्टूडियो में इस फिल्म की टीम है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर अजय यादव एंड लीड पेयर मेघना पटेल एंड सौरभ रॉय। लेट्स वेलकम देम, वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। अजय जी, आपसे शुरू करते हैं। ऐसी क्या दुविधा हो जाती है प्रोड्यूसर को कि वो रिलीज की टाइम इतनी हरी में रहता है? बेसिकली क्या है कि जिस टाइम रिलीज करनी होती है, एक तो इतने दिन मेहनत करते हैं, सारा पैसा लगता है, तो जल्दी से जल्दी रिकवर करने का भी एक एम होता है, और वो फिल्म जितना जल्दी से जल्दी अपना सपना पूरा हो, पब्लिक को देखे तो वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो भी रीजन रहता है। दूसरा, मार्केट में फिल्मों को भी देखना पड़ता है कि इस दिन कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, सही बात है, तो वीक कौन सा अपने लिए अच्छा है। तो 12 दिसंबर का वीक मुझे अच्छा लग रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म उस दिन तक तैयार नहीं हो पाई, थोड़ा पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से, तो सेंसर में भी पिक्चर कोई एप्लीकेशन लेट हुई। सौरभ, आपकी ये पहली फिल्म है, व्हाट इज इट, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। लव फिर कभी इज अ क्यूट रोमांटिक स्टोरी जो यूथ से रिलेट करती है। आज की डेट में मैं यूथ को देखता हूँ कि प्यार के चक्कर में हर कोई पड़ा रहता है, लेकिन प्रोफेशन करियर कहाँ जाता है, सो दिस मूवी इज ऑल अबाउट दैट। यानी आपका इंपॉर्टेंस कम है और नौकरी का इंपॉर्टेंस, छोकरी का इंपॉर्टेंस कम है और नौकरी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ऐसे मत को, दिल टूट जाए। दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर। टीवी के लिए तो पूरी पिक्चर में दौड़ता रहूं मैं। अच्छा आप दौड़ाती क्यों है? नहीं, एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है कि आज की डेट में लाइफ इतनी हैक्टिक हो गई है, और उसी दौरान अगर आप प्यार भी करना चाहो तो प्यार के सामने इतनी सारी मुश्किलें, तकलीफें आ जाती है कि
प्यार नहीं होके फिर कभी हो जाता है, लव फिर कभी हो जाता है. तो एग्जैक्टली सौरभ की भी यही सिचुएशन हो गई है. बेचारा लव तो करना चाह रहा है बट उसके आसपास इतनी मुसीबतें आ गई हैं कि लव फिर कभी हो जाता है. तो आपको कैसे मिले सौरभ? जब मैं ये फिल्म बनाने की सोच रहा था तो उस टाइम मैं कास्टिंग कर रहा था तो एक कोऑर्डिनेटर के थ्रू मेरी मुलाकात हुई इनसे. तो जब पहली बार देखा तो मुझे पसंद, मैं यार ठीक है ऐसी क्या. उसने बताया खतरों के खिलाड़ी में था तो मैं यार खतरों के खिलाड़ी में तो थोड़ा सा फेम तो है. वापस देखता हूँ तो पहले तो मैंने वो यूट्यूब पे खतरों का खिलाड़ी का एपिसोड देखा. फिर मैंने उनको ऑडिशन के लिए बोला तो ही सेट की ओके आई डू स्क्रिप्ट दी. दो दिन इन्होंने प्रिपेयर किया, आई ऑडिशन दिया, ऑडिशन में अच्छा लगे, देन आई हैव कास्टेड हिम. अच्छा, एंड मेघना कैसे आई फिल्म में? मेघना जी एक मेरे फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि ये है देख लीजिए. तो ये जब आई घर पे ही मेरी मुलाकात हुई. रिमेम्बर कि 7 बजे ये मेरे पास आई थी और करीब 11 तक हम लोग 11 बजे तक बैठ के डिस्कस करते थे, सब कुछ किया था. उस रोल में इतना इन्होंने किया कि मुझे पास का तो कोई उस रोल से लेना देना ही नहीं था इनके वीडियोस वगैरह देखने का. वो तो मैंने एक्चुअल में बाद में देखा, इनको बोला है मैंने आपको देखा है लेकिन वो नहीं मैंने नहीं देखा था. तो मैंने रियल में इनको इमेजिन किया उस रोल के लिए तो परफेक्ट थी. अब बस वो चाय पीते पीते फिर बाद में कुछ पकौड़े खा लिए तो पकौड़े खाते सब कहानी बन गई. शूटिंग कहाँ हुई? मुंबई में हुई? मुंबई में हुई, आगरा में हुई, मथुरा में हुई, दिल्ली में की, फिर सूरत में की, नासिक की, इतने अलीबाग की. स्टोरी ट्रेवल्स या स्टोरी ट्रेवल्स भी थी. स्टोरी बेसिकली बॉम्बे, दिल्ली एंड आगरा में थी. बॉम्बे तो इसलिए कि सब कुछ जो रह जाता है बॉम्बे में करना ही पड़ता है उसके लिए की. स्टोरी आगरा से स्टार्ट होती थी तो आगरा में इसलिए की मैंने. कुछ लोकेशंस मथुरा में अच्छे थे वो कि जैसे आगरा में ताज पे किया तो मथुरा में यमुना नदी पे भी किया. फिर उसके बाद स्टोरी जाती है दिल्ली. तो फिर दिल्ली में भी शूट किया. तो ये रीजंस तो वहाँ रहे. बाकी नासिक और अलीबाग में गाने की लोकेशंस के लिए फिर मैंने एक गाना जो मेघना जी पे बहुत अच्छा शूट किया था तो उसके लिए मैंने फिर नासिक अलीबाग वगैरह में शूट किया. और बॉम्बे में किया प्रमोशनल सॉन्ग मेरा जो है वो बॉम्बे में ही शूट किया. तो बीच पे हर फिल्म में एक प्रमोशनल सॉन्ग का ये फैशन सा हो गया है तो इसलिए आपने अपने फिल्म में भी एक प्रमोशनल सॉन्ग रखा है या उसकी जरूरत थी? नहीं, जरूरत तो फिल्म में बेसिकली सभी पड़ती है, वो पब्लिक के हिसाब से सोच के करनी पड़ती है कि प्रमोशनल सॉन्ग स्टोरी में कहीं मैच नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने डाला. और आजकल का ट्रेंड बन गया हर फिल्म का कि पिक्चर जब पहले होती थी जहाँ क्लाइमेक्स खत्म हुआ डी एंड आने से पहले लाइटें जल जाती थी. सही बात है. और पब्लिक चल देती थी. करेक्ट. आजकल ये हो गया कि पिक्चर एंड होने के बाद भी एंड नहीं होता है, वो गाना स्टार्ट हो जाता है और सभी बैठ के फिल्म देखते रहते हैं और अगर कोई आगे वाला खड़ा हो जाए तो पीछे से कहते हैं भाई बैठ जा गाना देख लेना. तो करेक्ट. तो वो गाना आधा चल रहा होता है. तो ये भी रीजन था कि एंड में एक गाना डालें और प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है तो गाना ये है कि चैनल्स भी थोड़ा सा प्रमोट कर देते हैं. डायलॉग ही डायलॉग दिखाएं तो पब्लिक बोर हो जाती है तो इसलिए पब्लिक के लिए प्रमोशनल डाला जाता है. कितना मुश्किल होता है आप जैसे प्रोड्यूसर का फिल्म बनाना? काफी प्रॉब्लम्स का सामना किया क्योंकि मेरे पास कोई फाइनेंसर तो है नहीं, अपने ही पैसे से मैंने फिल्म बनाई तो पैसे की भी शॉर्टेज आती है, आर्टिस्टों की भी प्रॉब्लम्स होती है. पहली फिल्म में तो मैंने एक्टर बड़े बड़े लिए थे तो उसमें 2-3 एक्टर तो ऐसे थे कि उन्होंने जब शूट करना था तो ओवरटाइम की बात करना. ओवरटाइम में पैसे पहले ले लिए, बाद में कभी कोई डबिंग पे नहीं आ रहा तो कभी शूटिंग की डेट्स नहीं दे रहे तो वो प्रॉब्लम्स बहुत फेस की मैंने. देन मैंने सोचा कि अब मैं नहीं करूंगा किसी बड़े एक्टर को लेके. मगर 3 फिल्में बनाने के बाद भी ऐसा नहीं लगता है आपको कि अब परेशानियां कम होगी या खत्म होगी? अब मेरे को लगता है कि कुछ कम हुई हैं. इस फिल्म में कितनी परेशानियां हुई? इसमें बनाने में तो थोड़ी सी परेशानियां आई, ज्यादा नहीं. इन दोनों ने कोऑपरेट किया कि नहीं? कोऑपरेट किया हमेशा. मैं सबको चाय पिला देता था. टाइम पे पहुंचना और प्रॉपर शूटिंग करना, जो सीन बोला वैसे ही एज इट इज उन्होंने किया. जनरली ऐसे इश्यूज हुए बहुत स्मूथली शूटिंग. ये पॉसिबल था बिकॉज ये लोग न्यू कमर्स हैं इसलिए जी. तो अब आपने ये ठान ली है कि एस्टैब्लिश्ड स्टार्स
अनलेस बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव ना हो आप उनके साथ काम नहीं करेंगे? देखिए अभी एस्टेब्लिश स्टार का तो कहना ये कि मेरे साथ कोई काम करेगा नहीं जब तक कोई दो फिल्में हिट ना हो जाए, दो या तीन हिट ना हो जाए, और दो या तीन फिल्में हिट हो गई तो ये भी एस्टेब्लिश हो जाएंगे। अरे वाह, तो फिर मैं क्योंकि अगली फिल्म भी इनके साथ है, अगली फिल्म। क्या बात है, क्या बात है। और अब इस फिल्म के बाद आपको लगता है कि आपकी कॉलिंग एक्टिंग ही है? सर ऐसा नहीं है सर, मे बी इन फ्यूचर आई एम अ गुड राइटर ऑल्सो, आई राइट समटाइम्स। मैं कहीं पे भी रहता हूँ सराउंडिंग से सीख जाता हूँ, जैसे आपसे भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, हाथ ऐसे रख के ऐसे स्माइल करके बात करना। सो आई लर्न एवरी डे। ओके ओके, यू आर अ गुड ऑब्जर्वर। यस मेघना जी, आपसे जानना चाहूंगा इस फिल्म को खत्म करने के बाद, ये कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी फिल्म इन्होंने प्रॉमिस कर दी है, तो आपको कैसे फील होता है? मैं एक्चुअली अजय जी की बहुत तारीफ करना चाहूंगी क्योंकि ही इज अ वन मैन शो। उन्होंने पूरी फिल्म अपने कंधे पे उठाई है। अगर वो नहीं होते तो आई डोंट थिंक सो ये फिल्म पॉसिबल थी या बन पाती थी, क्योंकि उन्होंने सब डिपार्टमेंट खुद हैंडल किया और खुद इंटरेस्ट दिखाया सब चीजों में। मैंने पहली बार कोई प्रोड्यूसर ऐसा देखा जो किचन में भी काम करता है, हीरोइन के लिए कपड़े भी खरीदता है, हीरो के मेकअप का ध्यान रखता है, उसकी बॉडी का ध्यान रखता है। तो हीरो का मेकअप नहीं रखा है, उसके लिए स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट मंगाया गया था। हाँ आज भी मंगा रहे थे, तो उन्होंने काफी किया। और दूसरा आज की डेट आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में सब स्टार्स के बच्चे ही, उनको ही ब्रेक मिलता है, या जो पैसे वाले हैं उनके डैडी मम्मी डैडी पैसे लगा के उनको लॉन्च कर देते हैं, पर जो रियल में टैलेंट है वो मिसिंग होता जा रहा है। इसीलिए आज की जनरेशन में पहले जैसे स्टार नहीं मिल रहे, जैसे एक टाइम पे अमित जी, शाहरुख खान और ऐसे जो सेलिब्रिटी आए वो नॉर्मल बैकग्राउंड से आए, अभी वो चीज मिसिंग होती जा रही है। पर अजय जी जैसे अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहेंगे तो नए टैलेंट को, जैसे सौरभ को लॉन्चिंग मिली, ऐसे जैसे मैंने काफी काम किया है, बट ये मेरी करियर की सबसे एक परफेक्ट फिल्म जो मुझे मिली, जो मैं करना चाह रही थी बहुत टाइम से। तो मुझे लगता है कि अजय जी जैसे और प्रोड्यूसर डायरेक्टर आने चाहिए, और हम लोग जो फिल्म लाइन से सपोर्ट नहीं कर रहे उनको भी सपोर्ट करना चाहिए उनको। क्या कारण है कि आप जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है? मुझे लगता है कि आज की डेट में सब लॉबी चल रही है कि फलाना सुपरस्टार है उसके बेटे को लॉन्च कर दो, फलाना सुपरस्टार है उसकी बेटी को लॉन्च कर दो, ब्रांडिंग। ये तो हमेशा रहा। हाँ, ये तो अभी ज्यादा हो गया। अब देखिए जितने भी स्टार है किसी ना किसी का कोई डैड या कोई, बट रैंक न्यू कमर्स भी आते हैं। रणवीर सिंह का कोई अगला पिछला नहीं था, हिज डैड इज अ फाइनेंशियली स्ट्रांग, सो फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग रहता है तो चांस मिलता है। ऐसे जो बहुत कम है, जैसे मिडिल क्लास से कोई आया है बेचारा स्ट्रगल कर रहा है और उसको ब्रेक नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे तो आप जैसी लड़की ने कैसे आपने बॉलीवुड में प्रवेश किया? मुझे डेस्टिनी, वैसे मुझे बचपन से एक्ट्रेस बनना था, जब से मुझे समझ आई है मैं तब से घर में बोलती थी कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे हीरोइन। और गुजराती फैमिली वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ मेरी मम्मा थोड़ा छुप के डर के सपोर्ट करती थी। बट समहाउ मैं बॉम्बे आना शुरू किया था बिकॉज आई यूज्ड टू डू स्टेज शोज, तो मैं ट्रैवलिंग करती थी। और आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम गुजरात, बड़ोड़ा से। तो यहाँ मुझे खींच के लेके आई डेस्टिनी, और मैं लकी रही कि मुझे शुरू से काम मिलने लगा, और गॉड मस्ट बी चाह रहे होंगे कि मैं यहीं पर रहूं और अब यहीं की हो। और अब आपकी फैमिली खुश है या अभी भी वो दुखी है? अभी तो वही डबल फेसेस, अभी तो सबको ऑटोग्राफ चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, सब मिलने के लिए मुझे तरसते हैं। तो इट्स लाइक दैट, पहले बोलते थे कि यू नो रॉन्ग वर्ड यूज करना, कि डांस करना मीन्स इस रॉन्ग वर्ड यूज करते थे, और अभी बोलते हैं कि वाह क्या डांस कर दिया। सो दैट्स अवर सोसाइटी इज डबल फेस। और बॉलीवुड कैसी लगती है जगह, स्पेशली जब आपका कोई रिलेटिव या कोई जान पहचान वाला इस इंडस्ट्री का ना हो, तो सेफ जगह है? सेफ है। देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसे कोई हादसे नहीं हुए जो ज्यादातर न्यूज में और सब जगह हमको देखने मिलते हैं कि ऐसा हुआ कास्टिंग का हो चाहे ना हो। मेरे साथ हमेशा अच्छी चीज हुई, मुझे अच्छे लोग मिले और मेरे साथ हमेशा अच्छा हुआ है। तो मैं गॉड का शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे इंडस्ट्री के काबिल समझा और मुझे यहाँ पे भेजा, और आज की डेट में मैं कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ, तो आई एम सो वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड। दैट्स वेरी नाइस। अजय जी, अब जब फिल्म रिलीज हो रही है, आपका तो पैसा लग गया, अब जैसा आपने कहा कि हर प्रोड्यूसर को जल्दी रहती है कि नेचुरली फिल्म जिसके लिए बनाई है उनके सामने आ जाए, अच्छी है बुरी है, चलेगी नहीं चलेगी वो तो फ्राइडे को ही पता चलेगा, तो आप नर्वस होते हैं रिलीज से पहले? नर्वसनेस तो रहती है कि एक दिल में कभी कभी ऐसा रहता है जैसे ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे चल रही है कि पता नहीं क्या होगा,
बट मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता उस चीज पे, और मैं सब कुछ अपने भगवान पे छोड़ देता हूँ. जो होना है वो पहले से लिखा है. अगर ऊपर वाले ने लिखा है कि उस दिन कोई फिल्म देखने नहीं जाएगा, तो मैं लाख कोशिश कर लूँ कोई नहीं जाएगा. मैं केवल इस चीज के लिए भगवान पे दूध चढ़ाने जाऊँ या प्रसाद चढ़ाऊं कि भाई कोई नहीं आएगा, लेकिन आ जाए तो नहीं आने वाला है. ये तो सब एक दिल को रखने के लिए. हाँ, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं करता. लास्ट भी फिल्म में मैंने किसी को फोन करके नहीं पूछा मेरा कलेक्शन क्या है. मेरे पास जब फोन आए, अरे यार आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैंने ठीक है बता दो. तो लास्ट फिल्म में मैं बहुत ज्यादा फिल्म से वो भी नहीं था कि मुझे बिजनेस होगा, तो इसलिए मैंने ज्यादा क्या ध्यान नहीं दिया. इस बार मुझे लगता है कि बिजनेस फिल्म अच्छा करेगी. लास्ट फिल्म से आप क्यों इतने खुश नहीं थे? आपको लगा कि जैसे सोचा था वैसे नहीं बनी? बेसिकली उसमें शॉर्ट ऑफ फंड की वजह से प्रमोशन भी नहीं कर पाया भड़ास में. और नेगेटिव वाइज मुझे आ रहे थे बिकॉज मीरा की वजह से. तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग की बहुत ज्यादा पैसा. पर एसोसिएशन आपका साथ नहीं दिया? आपने एसोसिएशन में कंप्लेन नहीं किया? एसोसिएशन सर आर्टिस्टों की स्ट्रांग है. कोई एक्टर है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कुछ है, तो ये अपनी एसोसिएशन में चले जाते हैं. जो उसको छोड़ के वो मनसे वगैरह में चले जाते हैं, वो लोग आके उनका कर देते हैं. लेकिन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन सबसे स्लो है. वो कभी भी किसी भी तरह से कॉपरेट नहीं करती. कितना भी करें वो बहुत ढीले चलते हैं. मालूम है यार प्रोड्यूसर है, अपने आप करेगा. अच्छा, वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते. ओ, 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 ओ. जबकि प्रोड्यूसर पैसा लगाता है. प्रोड्यूसर पैसा लगाता है. एक्टर तो एक बार केवल जाके फीस भर देता है, फिर सर एनुअल फीस होती है वो देते हैं एसोसिएशन की. हम लोग एनुअल फीस भी देते हैं. उसके अलावा टाइटल रजिस्टर कराना है तो फीस देना होता है, रिन्यू कराना है तो पैसे देने हैं. फिर फिल्म सेंसर कराने के टाइम पे पब्लिसिटी और ये उस सब के लिए फीस देते हैं. तो हम लोग तो ज्यादा फीस देते हैं, फिर भी एसोसिएशन हमारे लिए कुछ नहीं करती. वो सिर्फ अपने लिए करती है. कब उनके इलेक्शन हो जाते हैं, कौन जीतता है, कौन करता है, वो मेंबर बने पता ही नहीं चलता. जितने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो मेंबर हैं वहाँ के, उनको तो वैसे ही नाम चलता है. तो एसोसिएशन उनके लिए सब कुछ कर ही सकता है क्योंकि वो खुद मेंबर है. कहने का मतलब है कि छोटे प्रोड्यूसर के लिए कोई खड़ा नहीं होता. कोई नहीं खड़ा होता. यहाँ अपने 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 आप ही चलना पड़ता है, तो इसलिए सबसे कम्प्रोमाइज करना पड़ता है. दूसरा ये है कि एक बिजनेस, और कोई भी बिजनेस है, सपोज आप टेबल ही